चलते हैं मुरैना की, जहां नागपुर से मुरैना पहुंचे 150 छात्र पैदल दिल्ली जा रहे हैं। SSC परीक्षा पास इन छात्रों को सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। 16 माह से आंदोलन कर रहे व पैदल चलते चलते इनमें से कई की तबीयत बिगड़ गई है। इनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है। मुरैना पहुँच कर घिरौना मंदिर पर इन छात्रों ने भिखारियों की लाइन में लगकर खाना खाया है। इन छात्रों ने खाना बांटने आए लोगों के सामने हाथ पसारे, तब उनको भोजन के पैकेट मिले और उन्होंने अपना पेट भरा है। आपको बता दें कि SSC की परीक्षा पास ये छात्र आम छात्रों की तरह सामान्य घरों से है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों में कांस्टेबल के पद के लिए परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें इन छात्रों ने भी अन्य छात्रों के साथ ही लिखित व शारीरिक परीक्षा पास की थी। सरकार ने उनमें से 55,912 छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिया था, लेकिन शेष बचे 4,000 लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला था। पिछले 4 साल से यह छात्र अपना नियुक्ति पत्र पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। नागपुर से दिल्ली की दूरी 1,000 किलोमीटर की है। इस दूरी को तय करने में इनमें से 65 छात्र बीमार पड़ चुके हैं, जिनमें से कुछ मुरैना जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। भूख और प्यास से बिलबिलाते यह छात्र देर शाम जब मुरैना के धौलपुर रोड स्थित खिरौना मंदिर पर पहुंचे, तो वहां सड़क के किनारे भिखारियों की लाइन में इस उम्मीद में बैठ गए कि कोई दानदाता इन भिखारियों को भोजन देने आएगा तो उनको भी मिल जाएगा। उनकी यह उम्मीद बेकार नहीं गई और देर शाम मुरैना के एक पेट्रोल पंप मालिक अपनी गाड़ियों में खाने के पैकेट भरकर वहां पहुंचे और उन्होंने उन छात्रों को भोजन बांटा, तब कहीं जाकर इन छात्रों का पेट भरा। अगले दिन ये छात्र घिरौना मंदिर से दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। अब उनका अगला पड़ाव धौलपुर है, जहां वे फिर किसी मंदिर में भिखारियों की लाइन में लगकर भोजन के लिए हाथ पसारेंगे, तब कहीं जाकर उनको भोजन मिल पाएगा।